Assalamu alaikum students, welcome to Mindland Programming YouTube channel. Today students, we will start lecture number 72. Students, जो previous lecture था उसमें हमने देखा था कि swing का हमने एक program किया था कि किस तरह हम एक button पे एक action listener को perform करवा सकते हैं. जैसे हमने button पे click किया था तो हमारे पास text field में text चला गया था. तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक इमेज बटन किस तरह क्रिएट कर सकते हैं. जिस तरह हम जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें हमने देखा था, हम जो बटन क्रिएट करते हैं उसमें हम टेक्स्ट लिखते हैं. लेकिन स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम एक इमेज बटन क्रिएट कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपने यहाँ पे जाना है और क्लास को क्रिएट करना है. स्टूडेंट्स, आपने जो फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे फोल्डर क्रिएट किया जावा स्विंग के नेम से, आपने फोल्डर पर राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है और क्लास को सिलेक्ट करना है. यहाँ पे आप अपने क्लास का नेम जो भी आप रखना चाहें यहाँ पे रख सकते हैं. और यहाँ पे आपने मेन मेथड को चेक कर लेना है. ये करने के बाद स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करना है तो आपके पास क्लास क्रिएट हो जाएगी. क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्लास क्रिएट की हुई है इसलिए मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मैंने क्लास क्रिएट किया बटन इमेज एग्जांपल के नेम से और ये मैंने मेन मेथड बनाया है. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, हम स्विंग का प्रोग्राम करने लगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पैकेज को इंपोर्ट करवाना है. पैकेज को इंपोर्ट करवाने के लिए हम इंपोर्ट का कीवर्ड यूज करेंगे, इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग. ये पैकेज है और स्टैटिक का मतलब ये है कि इस पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस एग्जिस्ट करती है वो सारी की सारी इंपोर्ट हो जाए. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब आपने जो क्लास क्रिएट किया बटन इमेज एग्जांपल के नेम से, अब यहाँ पे इसकी बॉडी के अंदर आपने इस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है. अब यहाँ पे लिख सकते हैं बटन इमेज एग्जांपल सेम इज इट इज. जैसे कि आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर का नेम वही होता है जो क्लास का नेम होता है, तो आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं. यहाँ पे आप लिखे और कॉपी कर ले. यहाँ पे अपने पैरेंथेसिस इसके लेने हैं और यहाँ पे अपने इसकी कंस्ट्रक्टर की बॉडी स्टार्ट करनी है. स्टूडेंट, सबसे पहले आप यहाँ पे फ्रेम क्रिएट करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जे फ्रेम की क्लास आप यूज करेंगे, जे फ्रेम. उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इक्वल का साइन मूव जे फ्रेम. अब यहाँ पे फ्रेम का नेम आप कुछ भी रखना चाहें यहाँ पे हम लिख देते हैं. अगर आप ना भी कुछ लिखेंगे तो फिर भी कोई मसला नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर हम टाइटल देना चाहें अपने फ्रेम को तो हम लिखेंगे यहाँ पे बटन इमेज एग्जाम्पल. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना है. अब आपने यहाँ पे बटन क्रिएट करना है, जे बटन. उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है बी इक्वल का साइन न्यू जे बटन. अब स्टूडेंट्स, जो टेक्स्ट वाले बटन थे उसमें हम क्या करते थे, यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर हम टेक्स्ट में जो भी लिख देते थे वो हमारे बटन पे प्रिंट हो जाता था. लेकिन ये हम करने लगे एग्जाम्पल इमेज बटन की, कि हमने इमेज किस तरह अप्लाई करनी है. तो स्टूडेंट, आपने यहाँ पे क्या करना है, न्यू का कीवर्ड यूज करना है. यहाँ पे आपने एक मेथड यूज करना है इमेज आइकन का. आपने ये मेथड यहाँ पे यूज करना है, इसके पैरेंथेसिस के अंदर आपने जो इमेज यहाँ पे अपने बटन के ऊपर लगानी है उस इमेज का आपने यहाँ पे पाथ सेट करना है. तो स्टूडेंट, अब आप यहाँ पे आ जाए अपने कंप्यूटर के अंदर और यहाँ पे आपने जो इमेज लगानी, मैंने ये न्यू वाली इमेज लगानी है, तो आपने क्या करना है, किस फोल्डर में पड़ी, ई ड्राइव में पड़ी है. ठीक है, ई ड्राइव में पड़ी है और इस इमेज का नेम क्या है, न्यू, और इसकी एक्सटेंशन क्या है, जेपीजी. तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका पास सेट करना है, डबल कोट्स में आपने ई ड्राइव लिखनी है, कोलन स्लैश आपने डालना है यहाँ पे. और यहाँ पे आपने अपनी इमेज का नेम क्या था, न्यू डॉट जो भी आपका इमेज है आपने वो यहाँ पे इमेज का पास सेट कर देना, नेम उसका सेट कर देना, या लास्ट पे आपने सेमी कोलन लगाना है. अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब आपने बटन की बाउंड्री सेट करनी है, कि आप बटन की साइज उसका विड्थ कितनी रखना चाह रहे हैं. बी डॉट सेट बाउंड्स का मेथड यूज करेंगे. आपने ये मेथड यूज करना है, यहाँ पे आपने वैल्यूज को पास कर देना है जिस तरह आप अकॉर्डिंग वैल्यूज रखना चाहें. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं अपने बटन की जो विड्थ है वो 100 लिख रही हूँ, यहाँ पे 50. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब आपने यहाँ पे बटन को क्रिएट कर लिया, इसकी बाउंड्री भी सेट कर ली, बटन पे आपने इमेज भी अप्लाई कर ली यहाँ पे. अब आपने क्या करना है, इस बटन को फ्रेम पे ऐड करना है. तो क्या करेंगे, फ्रेम का जो हमने जे फ्रेम क्लास के जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फ्रेम डॉट ऐड का मेथड, और बटन का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इसको हम पैरामीटर्स को पास कर देंगे, लास्ट पे सेमी कोलन. अब आपने फ्रेम की जो लेआउट है वो सेट करनी है, फ्रेम डॉट सेट साइज आपका मेथड यूज करेंगे सेट साइज का, और आपने अपने फ्रेम की जो विड्थ और हाइट वो यहाँ पे मेंशन करनी है.
कि आप अपने फ्रेम की विड्थ और हाइट कितनी रखना चाह रहे हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपने लेआउट सेट करनी है अपनी फ्रेम की, तो यहाँ पर मैं लेआउट अभी नल ही रख रही हूँ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब आपने यहाँ पर अपने फ्रेम की विजिबिलिटी सेट करनी है, सेट विजिबल, आप अपना जो है विजिबल रखना चाह रहे हैं या इनविजिबल। यहाँ पर अगर ट्रू कर देंगे तो आपका जो फ्रेम है वो विजिबल होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, एफ डॉट सेट डिफॉल्ट। यहाँ पे स्टूडेंट्स, अब आपने फ्रेम पे सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, ये आपने मेथड यूज करना है। ये मेथड आपने इसलिए यूज करना है कि आप अपने फ्रेम पर क्लिक करें क्लोज बटन पे, तो आपका फ्रेम जो है वो क्लोज हो जाए। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद है जो मैंने AWT के आपको जो प्रोग्राम्स करवाए थे उसमें क्या हुआ था, उसके जो आउटपुट आप रन करवाते थे जितनी बार वो बंद नहीं होते थे फ्रेम, लेकिन जो स्विंग है इसमें क्या होते हैं, आपके जो फ्रेम्स हैं वो बंद हो जाते हैं क्लोज बटन पे क्लिक करने से। तो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे जे फ्रेम जो क्लास है वो आपने यूज करनी है डॉट, और यहाँ पे आपने जो मेथड यहाँ पे यूज करना है एग्जिट ऑन क्लोज, ये आपने यहाँ पे यूज करना है। अब जैसे ही आप अपने फ्रेम के क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फ्रेम है वो क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब आपने ये कंस्ट्रक्टर बना लिया, इसके अंदर आपने ये सारा काम कर लिया है, तो अब आपने मेन मेथड के अंदर आना है और यहाँ पे जो आपने क्लास क्रिएट की हुई है खुद से बटन इमेज एग्जाम्पल के नेम से, आपने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और यहाँ पे आपने न्यू का कीवर्ड लगा के उसका जो बाय डिफॉल्ट ये वाला कंस्ट्रक्टर जो हमने बनाया था स्टूडेंट्स, ये वाला आपने यहाँ पे कॉल करना है, लास्ट पे सेमी कॉलन लगा देना है। अब स्टूडेंट्स, प्रोग्राम करने के बाद आपने इस प्रोग्राम को सेव करना है, कंट्रोल प्लस एस मैंने प्रेस किया कीबोर्ड की मदद से और यहाँ से आप इसको रन करना है। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास एक फ्रेम अपीयर होगा और उस पर एक बटन होगा और बटन पे आपका क्या इमेज, ये वाला जो मेरे सिंबल है ये वाली इमेज में न्यू की जो इमेज ली थी यहाँ पे वो मेरे पास यहाँ पे शो हो रही है। तो स्टूडेंट्स, जो इमेज की जो विड्थ है वो मेरे पास कम है लेकिन जो बटन की विड्थ है वो ज्यादा है, ये देखिए बटन की जो विड्थ है वो ज्यादा, तो आपने क्या करना है यहाँ पे जो बटन की विड्थ है वो आपने कम कर देनी है। फिर मैं इसको रन करती हूँ तो अभी भी मेरे ये साइड्स पे नजर आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे इसकी कर दी 60। कंट्रोल प्लस ऐसे सेव करना है, प्रोग्राम को दोबारा रन करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे बटन की जो विड्थ है और जो इमेज की विड्थ है वो मेरे पास अब इक्वल हो गई है, ये मेरे पास एक इमेज बटन फ्रेम के ऊपर शो हो रहा है। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमने ये काम किया था यहाँ पे जो हमने मेथड बनाया था डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन का, जे फ्रेम पर क्लिक करूंगी तो यहाँ पे मेरा फ्रेम जो है वो क्लोज हो जाएगा। मैंने जैसे क्लिक किया मेरा फ्रेम जो है वो क्लोज हो गया है। स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि हम एक इमेज बटन किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। होप सो आपको मेरी आज के लेक्चर की समझ लग गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।